वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेगाबाइट। वेल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस एप्लीकेशन के किसी भी तरह से अगेंस्ट में नहीं हूं। बस सीधी सी बात यह है कि इस एप्लीकेशन को जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि ये एप्लीकेशन हमें ये बताएगी कि जब भी हम किसी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये हमें एक अलर्ट देने वाला है एप्लीकेशन। तो वो फंक्शन कैसे काम करता है और ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ, और गवर्नमेंट का ये एप्लीकेशन रिलीज़ करने का बेसिक एजेंडा क्या है ये मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एप्लीकेशन है क्या और ये कैसे काम करता है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है आरोग्य सेतु, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर दोनों पर अवेलेबल है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है, तो लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे कि ये चार मैसेजेस यहाँ पर डले हुए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे ये एप्लीकेशन आपको लोकेशन और ब्लूटूथ की हेल्प से आपको ये अलर्ट देगा। इसके बाद अगर आप इस एप्लीकेशन के इंटरफेस के अंदर आते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये कुछ आपसे इनपुट लेना चाह रहा है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपसे पता करना चाह रहा है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे कि इस एप्लीकेशन में कोई भी और इंटरफेस नहीं है, कहीं पर कहीं और जगह जाने का ऑप्शन नहीं है कि आप देख पाएं कि मेरे आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है या नहीं। अब मैं आपको इन क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस यहाँ पर क्यों हैं। किसी भी पर्सन को पता करने का कि हाँ वो कोरोना इन्फेक्टेड है या नहीं, या फिर वो कोरोना से डायग्नोस हो चुका है या नहीं, ये पता करने का बेसिकली कोई तरीका है नहीं। अभी जिस तरह का लॉकडाउन हमारे इंडिया में चल रहा है उस तरह से हम सिर्फ सिम्टम्स के बेस पे ये पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति को कोरोना है या नहीं, या फिर वो कोरोना की उसके पास सिम्टम्स है या नहीं, इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन वही काम कर रही है, ये अवेयरनेस का काम तो कर ही रही है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि अभी आएंगे मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, बेसिक कुछ क्वेश्चंस का है जो मैंने आंसर दिया है अपने हिसाब से, तो उस आंसर का रिजल्ट निकल के ये आया है कि आपका संक्रमण का जोखिम कम है। अगर यहाँ पर थोड़े से भी चांसेस होते तो ये आपको बताता कि आपको एक सेंटर पर जाके वहाँ पे हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को कंफर्म कर देता हूँ। ओके करने के बाद मेरे यहाँ पर एक डैशबोर्ड आएगा। ये डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि मैसेज लिखा हुआ है यू आर सेफ। अब आती है वो इम्पॉर्टेंट बात जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन शायद तक आपको ऑलरेडी पता भी हो, लेकिन अब मैं थोड़ी टेक्निकलिटी पर आता हूँ कि ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करने वाली है। सबसे पहले अगर हम स्क्रीन पर बात करें तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको अपनी लोकेशन फ़ोन की और आपको अपना ब्लूटूथ जो है परमानेंट ऑन रखना है जिससे ये एप्लीकेशन काम कर पाए। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर सेफ, और अगर मैं इस फ़ोन का ब्लूटूथ यहाँ से ऊपर से जाके बंद कर देता हूँ, इस फ़ोन का मैंने ब्लूटूथ बंद किया, यहाँ पर एक मैसेज आया कि ब्लूटूथ मस्ट बी ऑन एट ऑल टाइम्स। अगर मैंने इसको लेटर कर दिया है, मान लीजिए किसी भी तरह से गलती से आपसे एक बार लेटर पर टच हो गया, तो अब ब्लूटूथ तो बंद है, तो इसका बेसिक फंक्शनलिटी काम कैसे करेगी। इसके बाद भी यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर सेफ। इसके बाद अगर मैं डेटा को बंद करता हूँ, अपने मोबाइल के डेटा को बंद करता हूँ इस एप्लीकेशन पर, तब भी लिखा हुआ है यू आर सेफ। और इस एप्लीकेशन के बाद अगर मैं यहाँ पर लोकेशन को भी अगर मैं बंद कर देता हूँ तो भी यहाँ पर लिखा आता है यू आर सेफ। तो ये एप्लीकेशन अभी उस तरीके से एडवांस मोड पर डेवलप नहीं की गई है। वापस से अगर मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये मुझे हमेशा ही दिखाएगा यू आर सेफ। टेक्निकलिटी ये है कि अगर मैं इन दो फोन्स की बात करूँ, ये दो फोन दो यूजर्स के हैं, इन दोनों यूजर्स ने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेके रखा हुआ है। इस बंदे ने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ले लिया हुआ है, इसका एप्लीकेशन ये बोलता है कि इसको कोरोना नहीं है, और इसके बाद इस बंदे ने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लिया है और इस बंदे का रिजल्ट बोलता है कि इसको कोरोना है। अब ये दोनों फ़ोन जब भी पास आएंगे तो इनके जो ब्लूटूथ है वो आपस में एक दूसरे को डिटेक्ट करेंगे। एक दूसरे को डिटेक्ट करने के बाद इनके अंदर की एप्लीकेशन एक दूसरे को डेटा भेजेगी कि कौन पॉजिटिव है या कौन नहीं है। तो इस तरह से अलर्ट पॉसिबल है। बट जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जब ब्लूटूथ ही बंद हो चुका है तो ये एप्लीकेशन किसी से भी कॉन्टैक्ट में आएगा ये आपको अलर्ट नहीं दे पाएगा। और दूसरी बात, दूसरा जो तरीका है वो है लोकेशन बेस्ड। और लोकेशन बेस्ड जैसा कि हम जानते हैं कि सैटेलाइट जो है वो कुछ मीटर्स की रेंज में काम करता है, मतलब मैप के ऊपर जिस जगह पर पॉइंट दिखाया जाता है कि आप इस जगह पर बैठे हो, मतलब वो पिन पॉइंट लोकेशन नहीं होती, मतलब ये नहीं कहना चाह रहा है कि आप वहीं पर बैठे हो, कुछ मीटर का दायरा होता है सैटेलाइट से जो लोकेशन प्राप्त होती है, कुछ मीटर के दायरे में आप बैठे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी शॉप की तरफ जा रहे हैं सामान लेने के लिए और वहाँ पर शॉप में कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, और अगर उन्होंने ये एप्लीकेशन डालकर रखी है तो हो सकता है शॉप के 500 मीटर या कुछ दूर पहले से ही आपको नोटिफिकेशन आने लग जाए कि आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो इस तरह से एप्लीकेशन काम करती है। बट जैसे कि हम ये चीज़ देख चुके हैं कि डेटा के बंद होने के बाद भी वहाँ पर लिखा आता है यू आर सेफ, तो अगर आपका डेटा गलती से बंद है, मान लीजिए आप ही डेटा बंद करके भूल गए या फिर आपका इंटरनेट का डेटा खत्म हो गया है, किसी भी तरीके से आपको अगर अलर्ट नहीं दे पाया तब क्या।
अब मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको कोरोना है और उन्होंने अपने फ़ोन पर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, तो क्या हम अगर उनके कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो ये एप्लीकेशन हमें बता पाएगी? आप खुद सोच कर देखिए, उनके पास ना ही फ़ोन में एप्लीकेशन है, ना ही उन्होंने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेके रखा हुआ है, क्या एप्लीकेशन हमें उनके बारे में बता पाएगी? ऐसा नहीं होने वाला। इसके बाद हम उन लोगों की बात करें जिनको कोरोना तो है बट वो एप्लीकेशन में जाकर वो किसी तरह से असेसमेंट टेस्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं कोई गलत आंसर दे दिया, उनको देना था कोई और आंसर या उन्होंने गलती से कुछ और टच कर दिया। तो ऐसे भी कई लोग होंगे जो कि गलत टच कर दिए होंगे, तो उनको कोरोना तो है बट उनका एप्लीकेशन ये कहता है कि उनको कोरोना नहीं है, कोई सांस की हल्की सी बीमारी है या फिर उनको अस्थमा का कोई प्रॉब्लम है बट ये कोरोना तो नहीं है। ये एप्लीकेशन हमें इस सिचुएशन में किसी भी तरह का कोई अलर्ट नहीं देने वाला है। तो इस तरह की काफ़ी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस एप्लीकेशन के साथ। इसलिए मेरा बेसिकली मानना बस ये रहेगा कि हमें इस एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खुलने के बाद हम बस इस एप्लीकेशन पर डिपेंड होकर कहीं भी जाके घूम रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि अगर हम किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमें ये एप्लीकेशन अलर्ट देगी। तो ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी, हमें इस चीज़ के ऊपर इसका बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। बाकी असेसमेंट टेस्ट आपको बिल्कुल लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, हमारी गवर्नमेंट को हम काफ़ी हेल्प करेंगे अगर हम ये असेसमेंट टेस्ट लेंगे तो। इसके द्वारा गवर्नमेंट के पास हमारा काफ़ी डेटा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग ऐसे हैं इस कंट्री में जो कि वेल अवेयर हैं इस चीज़ से और उन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देकर ये खुद बताया कि उन्हें कोरोना का किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। तो इस तरह का डेटा हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो इस तरह से तो हमें सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। बस मुझे ऐसा लगा कि ये छोटा सा पॉइंट आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग सच में ये मानकर बैठ गए। आज इवन कल ही सुबह जब मैं सोकर उठा था तो मेरी मम्मी ये पूछने लगी कि क्या ये एप्लीकेशन हमें पापा के फ़ोन में डाल देनी चाहिए क्योंकि वो अभी भी ऑफिस के काम से अभी उनका बाहर जाना होता है और गवर्नमेंट ने उनके लिए पास बनवा कर दे दिया है तो वो तो अभी भी बाहर जाते हैं, तो क्या हमें उनके फ़ोन में एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए कि जब भी कोई किसी से कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो एप्लीकेशन पर अलर्ट आएगा? एंड मैं इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हूँ, इन सारी चीज़ों का मुझे पता है, तो मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन अपना काम अच्छे से नहीं कर सकता और हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और काफ़ी अंदर मैंने जाके देखा इस चीज़ के बारे में तो मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना तो बनता है। सो दैट वॉज ए वीडियो अबाउट आरोग्य सेतु ऐप। Let me know in the comments below what you think about that. And thank you so much for watching. I'll see you next time.